हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो ज्वेलरी हॉल वीडियो होने वाला है और ये हमारे चैनल पे फर्स्ट ज्वेलरी हॉल वीडियो है। अगर आपको हॉल वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। रिसेंटली ही मैंने everstylist.com से बहुत सारे ज्वेलरी पीसेस परचेस करे हैं और मुझे ये वेबसाइट शीइन और क्लब फैक्ट्री का बेस्ट अल्टरनेटिव लगा है ज्वेलरी के मामले में, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज में अफोर्डेबल ज्वेलरीज अवेलेबल हैं और बहुत सारे मुझे तो शीइन के जैसे एकदम डिट्टो ज्वेलरी देखने को मिले हैं। फर्स्ट जो ज्वेलरी पीस मेरे पास है वो है ये बोहो बेसिक ईयर रिंग। इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वाइब्रेंट है और इसके बीच में मिरर का वर्क किया हुआ है जो कि इसे काफ़ी कूल बनाता है। और इस तरह के बहुत सारे बोहो ज्वेलरीज इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी अच्छे प्राइस रेंज में। नेक्स्ट ईयरिंग है मेरे पास वो है ये ऑक्सीडाइज टाइनी ईयरिंग और इसका प्राइस है ओनली 59 रुपीज़। 59 रुपीज़ में क्या ही मिलता है। और इस तरह के खूबसूरत ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हो, एथनिक ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हो। इस तरह के हैंडीक्राफ्ट ईयरिंग भी एवर स्टाइलिस्ट पे अवेलेबल हैं। मैंने लिया है ये मल्टी कलर्ड हैंड वोवन ईयरिंग, ये काफ़ी लाइट वेट है। वैसे इसका ब्लैक कलर भी अवेलेबल था पर ये मल्टी कलर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसका भी प्राइस है ओनली 59 रुपीज़। 59 रुपीज़ में मार्केट में भी आपको इससे अच्छा ईयरिंग नहीं मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही लाइट वेटेड है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कान में कुछ पहना हुआ भी है और आपको बहुत ही अच्छा लुक भी ये देगा। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो मैं आपको इस तरह की ईयरिंग हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेटेड रहता है और इस तरह का फंकी ज्वेलरी आप वेस्टर्न ड्रेस में भी पहन सकते हो, कुर्ती वगैरह में भी पहन सकते हो। और इसके अलावा फेस्टिव सीजन्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी फंकी टाइप का वाइब्रेंट और लाइट वेटेड है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस वेबसाइट पे बहुत सारी ऑक्सीडाइज बोहो ज्वेलरी अवेलेबल हैं, तो मुझे ये बोहो ईयरिंग बहुत ही अच्छा लगा। इसमें टैसल लगा हुआ है और फेस्टिवल्स अराउंड द कॉर्नर है, तो इस तरह के बोहो ज्वेलरीज तो काफ़ी अच्छे लगेंगे फेस्टिवल्स पे। और इसका प्राइस भी काफ़ी डिसेंट है। ईयरिंग के साथ साथ आपके पास नेक पीसेस भी होना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने ये एक टाइनी क्रेसेंट मून नेकलेस लिया है। इसमें एक पतला सा गोल्डन चेन है और बीच में मून पेंडेंट लगा हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह के नेक पीस को आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी पेयर कर सकते हो और एथनिक ड्रेस के साथ भी, कॉलेज भी पहन के जा सकते हो, ऑफिस भी पहन के जा सकते हो और फेस्टिवल में भी यूज़ कर सकते हो। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही कूल सा नेकपीस है। नेक्स्ट जो पीस मेरे पास है वो है ये डैंगलर्स, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मैं इस तरह का डैंगलर्स काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रही थी, तो जैसे मुझे ये दिखा इस वेबसाइट पे तो मैंने इसे परचेस कर लिया। और इसका भी प्राइस बहुत ही कम है और देखने में जितना ये बड़ा लग रहा है उतना हैवी नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेटेड है जो कि इसकी बेस्ट क्वालिटी है कि ये देखने में तो बहुत बड़ा है बट इसका वेट बहुत कम है। मुझे ना स्टेटमेंट ईयरिंग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट ईयरिंग लिया। और इसका दूसरा कलर भी अवेलेबल था वाइट, बट मैंने ब्लैक लिया क्योंकि ये किसी भी कलर के ड्रेस के साथ चला जाता है ब्लैक कलर का, तो मुझे ब्लैक कलर के ईयरिंग्स अच्छे लगते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। इसका भी प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही सही ईयरिंग है। लास्ट जो ईयरिंग मेरे पास है वो है ये हैंडीक्राफ्ट ईयरिंग, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये लाइट वेटेड रहता है तो आप इसे कभी भी पहन सकते हो और ये कॉलेज और ऑफिस गोइंग लड़कियों के लिए तो बेस्ट है। अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। Stay tuned, stay connected and please give your feedbacks.